आप देख रहे हैं कला जो दस्तक है, ये हमारा सारा भविष्य बिहार के जोड़ने का सभी जिले वासी गौरव की अनुभूति करते हैं, अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, इसको हमें अपने साथ और हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारा आजादी का पर्व, हमारा स्वाधीनता दिवस एक बड़ी लंबी संघर्ष, स्वाधीनता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को सार्वभौम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर भारत का उदय हुआ और इसके साथ ही पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। गार्ड ऑफ ऑनर के इंस्पेक्शन के बाद माननीय जिला पदाधिकारी महोदया और एसपी साहब हमारे बीच मौजूद मुख्य मंच पर, जिला पदाधिकारी महोदय, अररिया जिला के प्रिय जिलावासियों, यहाँ उपस्थित अध्यक्ष जिला परिषद, आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, परेड में भाग लेने वाले हमारे जवान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के पत्रकार बंधुगण और यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी लोगों को सबसे पहले जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जिला के सर्वांगीण विकास की कामना करते हुए आज इस अवसर पर आप सभी लोगों के समक्ष यहां पर कुछ बात रखने के लिए मुझे बहुत गौरव हो रहा है। 15 अगस्त 1947 का ही दिन था जब नया सवेरा इस देश ने देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल ही की, पर उसके साथ साथ ही अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त कर ली। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा हैं, जो अपनी तरफ से और अपनी तरह से सबसे बड़ा जीवन जन समुदाय है और ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है, ये भारतवर्ष का समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति की अलग पहचान है, लेकिन इस विविधता के बीच में जो एक चीज हम सबको बांधती है वो एक भारतीय होने का रिश्ता है। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं और हम सबको समान अवसर और समान अधिकार उपलब्ध हैं, हमारे कर्तव्य भी समान हैं। अररिया की इस पावन धरती को इस शुभ अवसर पर पंडित रामदेनी तिवारी जी द्वेजेनी जी की धरती है, जिन्हें आदर से स्वतंत्रता संग्राम का आदि गुरु और पिता माना जाता है। इस क्रम में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सदर श्री कलानंद सिंह जी तथा श्री भृगुनाथ शर्मा जी के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार अमर कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु जी की अनेक साहित्य कृतियों स्वतंत्रता सेनानियों में निरंतर जोश और उत्साह भरता रहा है। इन सभी महान आत्माओं को भी आज इस शुभ अवसर पर हम लोग सादर नमन प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान समय लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है, शेष लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य जारी है। भारत गांव में बसता है और इसकी आत्मा इसमें निवास करती है। अररिया भी मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश का ही जिला है, इसके लिए कई ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के द्वारा अनेकों योजनाएं क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना अंतर्गत जिले के सभी 211 ग्राम पंचायतों में लगभग 21,000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स अधिष्ठापन कराया जाना है, जिसमें अब तक लगभग 7,500 का अधिष्ठापन
यह जा चुका है और शेष का लक्ष्य अगले 2 से 3 महीने में पूर्ण करने का है। युवाओं, विशेषकर ग्रामीण युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनको सही समय पर दिशा मिल जाए और इसी के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ऋण की उपलब्धता, युवा युवतियों को स्वयं सहायता भत्ता एवं युवक युवतियों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है।